हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल इंस्पायर्ड एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज है 23 मार्च 2020। आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको सूचनाएँ मिलती रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर ने किस संक्रमण रोकने वाले रसायनों की पहचान की है? तो फ्रेंड्स, इसका होगा सही जवाब कोरोना संक्रमण। दोस्तों बता दें कि दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर ने कोरोना संक्रमण रोकने वाले रसायनों की पहचान की है। इस सुपर कंप्यूटर ने 77 दवा के कंपाउंड्स पहचाने हैं जिससे कोरोना के वैक्सीन का रास्ता खुल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एजुकेशन बोर्ड ने स्टूडेंट्स के लिए ई कंटेंट और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो दोस्तों, इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा CBSE। दोस्तों बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने स्टूडेंट्स के लिए ई कंटेंट और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। हाल ही में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में रक्षा खरीद प्रक्रिया नीति 2020 मसौदा जारी किया है? तो दोस्तों, इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा नई दिल्ली। दोस्तों बता दें कि नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत को रक्षा विनिर्माण का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से रक्षा खरीद प्रक्रिया नीति 2020 का मसौदा जारी किया है। रक्षा उपकरण खरीदना एक राष्ट्रीय नीति है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोर टेस्ट से पहले ही किस राज्य के CM कमलनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों, इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा मध्य प्रदेश। दोस्तों बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य के CM कमलनाथ ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही अपना इस्तीफा प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन को सौंप दिया है। CM कमलनाथ की सरकार के केवल 15 महीने ही चल सकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस क्रिकेट बोर्ड ने अपने सभी प्रोफेशनल क्रिकेटर को 28 मई तक निलंबित कर दिया है? तो दोस्तों, इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड। दोस्तों बता दें कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ECB ने हाल ही में अपने सभी प्रोफेशनल क्रिकेटर को 28 मई तक निलंबित कर दिया है। हाल ही में इंग्लैंड की टीम श्रीलंका टेस्ट सीरीज खेलने गई थी लेकिन वहां से बिना खेले ही वापस लौट आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश लगातार तीसरी बार पहले स्थान पर रहा है? तो दोस्तों, इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा फिनलैंड। दोस्तों बता दें कि दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में फिनलैंड देश लगातार तीसरी बार पहले स्थान पर रहा है। इस लिस्ट की टॉप 10 खुशहाल देशों में से 9 यूरोप के हैं जबकि टॉप 20 में एशिया का एक भी देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष जनवरी में सबसे पहले किस देश ने लॉकडाउन लागू किया था? तो दोस्तों, इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा चीन। दोस्तों बता दें कि इस वर्ष जनवरी में सबसे पहले चीन ने हुबेई प्रांत के वुहान में लॉकडाउन लागू किया था। अब तक दुनिया के कई देशों में जनता कर्फ्यू चल रहा है। ब्रिटेन, पोलैंड, स्पेन, बेल्जियम, फ्रांस, वेटिकन सिटी, नॉर्वे, आयरलैंड, इटली, जर्मनी, अर्जेंटीना सहित 20 देशों में लॉकडाउन लागू किया गया है जो कि कोरोना वायरस के कारण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संयुक्त सचिव अजय कुमार को किस गणराज्य में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा युगांडा गणराज्य। दोस्तों बता दें कि संयुक्त सचिव अजय कुमार को हाल ही में युगांडा गणराज्य में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वह अभी विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों को निर्यात प्रोत्साहन देने के लिए किसने कृषि उत्पादक संगठनों के साथ एक समझौता किया है? तो दोस्तों इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा एपीडा। फोर्थ ऑप्शन सही होगा एपीडा। दोस्तों बता दें कि एपीडा यानी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने हाल ही में देश में किसानों को निर्यात प्रोत्साहन के साथ बाजार पहुंच देने के लिए कृषि उत्पादक संगठनों के साथ एक समझौता किया है। लास्ट क्वेश्चन है, इराक के राष्ट्रपति बरहाम सालेह ने हाल ही में किसे नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है? तो दोस्तों इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा अदनान जुर्फी। अदनान जुर्फी। दोस्तों बता दें कि इराक के राष्ट्रपति बरहाम सालेह ने हाल ही में अदनान जुर्फी को नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है। वह प्रधानमंत्री आदिल अब्देल मेहदी का स्थान लेंगे। दोस्तों बता दें कि अब्देल मेहदी ने दिसंबर में विशाल रैलियों के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको सूचनाएं मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।